लाल के लाल मैं तेरा हो गया, है चंद्र प्रभा के लाल मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मैं चंद्र प्रभा के लाल मैं तेरा हो गया, चंद्र प्रभा के लाल मैं तेरा हो गया। दुनिया से सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है, दुनिया से सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है, जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला गिर, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला गिर, मेरी तुमसे डोर बन गई रे। देखे ओ जैसे कहते हैं जनरेटर धीरे धीरे स्टार्ट होता है, भाई राज ने प्रारंभ कर दिया, सेल्फ लगा दिया, स्टार्ट हो चुका है, तो आपसे भी निवेदन है आप भी पावर दें थोड़ी सी भक्ति के साथ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला गिर, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला गिर, मेरी गुरु से डोरे बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। सौरव सागर दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, हे गुरुवर दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंद गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम हमारे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारी रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, सौरव सागर दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, ओ आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, अरे सज रही है गली गली खिल रही है कली कली, सज गई है गली गली खिल रही है कली कली, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आइए दोनों हाथ जोड़ें और एक साथ से आते रहे, ये बता दो कहीं
और अज्ञानता का हरण सिर्फ गुरुदेव की वाणी से हो सकता है, अन्यथा संसार में कोई स्थान और कोई वस्तु और कोई ऐसी उपलब्धि कहीं नहीं मिलने लगी। तो गुरुदेव ने जो हमें दिया हमारी स्मृति में क्या रहा, अब हम अपने प्रश्न क्या आपके उत्तर से मिलाएंगे। ऐसे गुरुदेव की वाणी हम बार बार सुनते रहें जिससे कि हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। जहाँ गुरुदेव हों, जहाँ से भी गुरुदेव की वाणी सुनी जाए, दिगंबर मुनिराजों की वाणी सुनी जाए, वहाँ हमें सुनना चाहिए। आप आएँ, मात्र प्रश्न के लिए ही ना आएँ, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम पहुँचें गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव की वाणी सुने। चलिए आगे एक प्रश्न आपकी तरफ है। कौन घर आया? सुबह गुरुदेव ने कहा घर आना है, कौन घर आया? ठीक है, इनका उत्तर हमने यही सुना, गुरुदेव ने बताया कि ये लोकोक्ति बदल चुकी है, बुद्ध की जगह क्या बोलते हैं हम, इनका उत्तर ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा उस समय। अगला प्रश्न, गुरुदेव ने सुबह अपनी देशना में अपनी भावना व्यक्त की, उसमें एक लाइन बोली थी, वो लाइन क्या थी? गुरुदेव ने अपनी भावना कही, वो क्या थी? एक लाइन आप बताएं, किसी को याद हो। वो पाठ से संबंधित है, ये भी मैं बता दूं कि हम रोज़ पढ़ते हैं उसको, वो एक पाठ है, वो एक स्थिति है, वो क्या? बस दो ही। ये गुरुदेव की अपनी भावना, मतलब मेरी भावना, समझने की बात थी, बहुत अच्छे से लिखी आप, काफ़ी बोली। हाँ बोलिए, श्री गुरुदेव सौरभ सागर महाराज की जय हो। धन्यवाद। आइए मैं निवेदन करूँगा, सुमित आरती जी हमारे बीच में है, कृष्ण नगर से है और वह भी मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है, लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है।
सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, मेरा मन गुरु तुमको पूजे, मेरे तो भगवान तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, मेरा मन गुरु तुमको पूजे, मेरे तो भगवान तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम। भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम। अवतार तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, मेरा मन गुरु तुमको पूजे, मेरे तो भगवान तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम, भक्तों के सरताज तुम, इस युग के अवतार तुम। जो पंख है उसको प्यार रखना, क्योंकि गुरुदेव की अमृतमयी वाणी उस पंख को धो देगी, हमारे मन में जो मलिनता है उसको स्वच्छ कर देगी, उसको हटा देगी। आगे चलते हैं, जो समाधान सुबह गुरुदेव ने दिया उसकी जिज्ञासा आप तक आ रही है।
दोनों भक्तांबर हम सुबह भक्तांबर स्रोत पढ़ रहे हैं, गुरुदेव उसका हमें उच्चारण भी सिखा रहे हैं, उसका भावार्थ भी बता रहे हैं और भक्ति रस से बहुत सुंदर और मधुरम अनुपम अपनी वाणी से, अपनी अनुभूतियों से, अपनी भक्ति से हमें भक्ति रस में ले जा रहे हैं। दोनों भक्तांबर किनके द्वारा रचित है? एक संस्कृत है और एक हिंदी है। दोनों भक्तांबर किनके द्वारा रचित हैं जो हम सुबह पढ़ रहे हैं? मालूम था, ये कईयों को नहीं मालूम था। वैसे महाराज श्री, अब हमारा भी भक्तांबर क्रम जून महीने से यही चल रहा है। हम चार भक्तांबर पढ़ते हैं जिसमें मानकुंग महाराज का, हेमराज महाराज का और एक और है, और एक हेमराज जो भी कभी कभी, और एक आपके द्वारा रचित जो ये महाकाव्य है भक्तांबर स्रोत, वो हमारे भक्तांबर पाठ में हर माह पढ़ा जाए। आप आशीर्वाद दें कि हम इस क्रम से चलते हैं। आगे एक आखिरी प्रश्न, परले काल की हवाएं, तूफान, भवंडर जो हैं, पवन है, परले काल की हवाएं यानी तूफान, वो सब कुछ कर सकती हैं लेकिन दो चीज़ों को नहीं बिगाड़ सकती, दो चीज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो दो चीज़ें क्या हैं? परले काल की हवाएं दो चीज़ों को नहीं बिगाड़ सकती, सुबह के भावार्थ में गुरुदेव ने बताया, लोकों में आया था। तूफान सब कुछ कर सकता है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूफान हवाएं सब कुछ कर सकती हैं मगर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए और किसी के तो अपने स्थान से भी खड़े हो जाएं। गुरुदेव की गर्व में बारंबार जैन धर्म के द्वारा ही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि संसार में तो अनेक धर्म हैं लेकिन जैन धर्म के लाकर जीव मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? शरीर की रचना नामकर्म से होती है, नामकर्म के प्राणवे भी हैं, तो शरीर की आकृति जैसी भी है लेकिन सबकी शक्लें अलग क्यों होती हैं? ऐसे कौन से कर्म हैं? अगर 93 हैं तो 93 तरह की शक्लें होनी चाहिए, रचना होनी चाहिए, लेकिन सृष्टि में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की भी किसी से शक्ल मिलती हो, क्योंकि आँख भी दो है, नासिका एक है, कान एक है, चेहरे का साइज भी 19-21 का फर्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी शक्लें मिलती क्यों नहीं? ऐसा क्या है? कर्म ऐसे कितने हैं? नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सुबह आपने बताया कि बाबा शब्द का आजकल जैसे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि कोई मतलब किसी को बाबा बोलो तो वो मतलब अलग ही सोचने में आता है, तो मतलब सदियों से पंडलपुर वाले बाबा बोलते हैं, बाबा और छोटे बाबा विद्यासागर महाराज जी, तो महाराज जी समाधान कीजिए। धन्यवाद आपका भी।
प्रश्न बस एक और सुबह का, आपने बताया कि जैसे हम चलते हैं तो लगता है चंद्रमा चल रहा है, हम रुकते हैं चंद्रमा रुकता है, पर आप तो कभी रात को विहार नहीं करते, आपको कैसे लगता है कि चंद्रमा चलता है, आपको कैसे पता? मुझे सुबह से यही जिज्ञासा है कि आप कभी रात को विहार नहीं करते, कभी चलते नहीं, आपको कैसे पता कि चंद्रमा चलता है रुकता है? धन्यवाद। आइए एक बार जयघोष करते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, चल गुरुदेव की मंगलमयी। पीयूष तेसरा काम सभी पान करें, एक बार पूरे हाथों को उठाकर जयघोष करें। चले परम पूज पुष्पगिरी प्रणेताचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते।
क्लोनिंग पद्धति से बच्चे पैदा करते हैं, 1 से 10 बच्चे हैं 1 से 90। डाली मन को घर पर भेड़े बनाती है, आजकल जो जन्म की पद्धति आ रही है वो जन्म की जो प्रणाली पद्धति में मनुष्य को नहीं है। जिस समय पर पाँच जिस समय पर काम कर रहे जिस समय पर होश कर रहे हैं जिस समय पर याद कर रहे हैं और दलित स्वाभाविक जो जन्म है पुद्गल नाम पर मुझे पुद्गल भी पाते पैदा होने वाले उसके ऊपर की रोटी है। हम लोग तो गेहूं है तो जमी रोटी है एक वेस्ट इंडीज जाओगे घुघराले बाल के मिलेंगे, इंडिया के जरूरी नहीं है, मिल भी सकते हैं आप। तो फिर कलाकार होगा बाहुबली भगवान की कृष्ण बनने वाले बनाने वाले सबसे पहले घुघराले बाल में बाकी बड़ी बड़ी एक भगवान के यूं थे, एक भगवान के दर के साथ यूं थे, एक के गोल गोल थे, एक के लेन लेन थे। मैंने कहा मैं स्वर्गंचल में जो भगवान बनाऊंगा सब भगवान के अलग अलग बनेंगे। देखना वहाँ पे नेमिनाथ के यूँ बने हुए हैं, कालीसी के दूसरे बने हुए हैं, आदिनाथ के जुड़ा लगे हुए बने हुए हैं, आप देख लेना, आप वास नहीं कर पाओगे। 9 के 9 भगवान अलग हैं, वहाँ कोई यक्ष नहीं मिलेगा, कोई यक्ष नहीं मिलेगा, 9 के 9 भगवान देवी हैं। भगवान के पास संगी नहीं थी ना तो वो लपेट के बांध रहा ये सूरत नहीं क्या थी। आप कुछ चीज सोचते हैं जो आजकल के लड़के पूरे बाग में लहरा के घूमते वादे नाचते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आजकल हम लोग कह रहे हैं कि लड़कियों के बाल है, कुछ नहीं है ऐसे। आदिनाथ के मिल जाएगा, मिल जाएगा जो आपके तो साधना पेट में कटा हुआ बाल, वो सारे के सारे बाल आप देख लेना पुरानी मूर्तियों के बने हुए हैं, ऐसे पूरे ही बने हुए सारे बने हुए ऐसे थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, अब कलाकारी बदल गई है। तो आजकल के रास्ते आदमी अभिनेताओं के आने लगे हैं, कला में बाल बना
गर्द की चीज है, जब अध्ययन करोगे आपको सब पता लगेगा, अध्ययन करोगे तो सब
बातें हैं, बातें ही बातों का और समझना कुछ हाँ छोड़ो पीछा छोड़ो लहरा उपवन है पुष्प दंत जी का जीवन समर्पित है नन्ही कली का दंत गुरुवर लालो कली को महकते महकते देव तुमको नमस्ते नमस्ते जब ले पूज गुदेसी सौरभ सागर जी महाराज की जय जयकारा गुरुदेव का जय जय तेरी आरती ओ गुरुवर जय हो तेरी सौरभ सागर जय हो तेरी ज्ञान दिवाकर हम सब उतारे तेरी आरती हे मुनिवर हम सब उतारे तेरी आरती प्रभा श्री पाल ने तुमको नाम सुरेंद्र दीना चंद प्रभा श्री पाल ने तुमको नाम सुरेंद्र दीना पुष्प दंत ने सुरभित करके पुष्प दंत ने सुरभित करके सौरभ सागर के नाम जग पर सुरभि लुटाने वाले जीवन महकाने वाले हम सब उतारे तेरी आरती हे गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती हे गुरुवर जय हो तेरी सौरभ सागर जय हो तेरी ज्ञान दिवाकर हम सब उतारे तेरी आरती हे मुनिवर हम सब उतारे तेरी आरती राग देश सब छोड़ के हो गए बीत राग ये त्यागी राग देश सब छोड़ के हो गए बीत राग ये त्यागी शिवपुर के महाराज बनेंगे शिवपुर के महाराज बनेंगे मुक्ति तू बड़ भागी देश पर संयम को धरने वाले मुक्ति को भरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती हे गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती हे गुरुवर जय हो तेरी सौरभ सागर जय हो तेरी ज्ञान दिवाकर हम सब उतारे तेरी आरती हे मुनिवर हम सब उतारे तेरी आरती जल से तांत सतत सी हमको दे दी विधिया ध्यान लगा मूरत दिखलाई ध्यान लगा मूरत दिखलाई तीर
दर्शाने वाले महिमा दिखाने वाले हम सब उतारे तेरी आरती हे मनहर हम सब उतारे तेरी आरती जय मुनिवर जय हो तेरी सौरभ सागर जय हो तेरी ज्ञान दिवाकर हम सब उतारे तेरी आरती हे गुरुवर हम सब उतारे तेरी हाँ जगमग जगमग ज्योत जलाए भक्तों की दीवाली भक्तों की दीवाली जगमग ज्योत जले तेरे दर पर भक्तों की दीवाली तेरे भक्तों की दीवाली जो भी मांगो सोई मिलेगा जो भी मांगो सोई मिलेगा कोई ना जाएगा खाली सबकी झोली भराने वाले करुणा लुटाने वाले मुनिवर मेरे जसपुर वाले हम सब उतारे तेरी आरती है ऋषिवर हम सब उतारे तेरी आरती गुरुवर जय हो तेरी सौरभ सागर जय हो तेरी ज्ञान दिवाकर हम सब